जय जींद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों रात की नौ बज के छत्तीस मिनट हो गई है सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं इसको पढ़ना अनिवार्य है मैंडेटरी है यह मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए आपसे गुजारिश आपसे विनती है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कल एक इम्पॉर्टेंट डी डे है कल फ्राइडे है तो कल वीकली क्लोजिंग भी आएगी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है प्लस आज का वीडियो को विदाउट स्किप करिए देखिए अभी नौ बज के सैंतीस मिनट हो गई है यू नाइन पॉइंट थर्टी सेवन यहाँ आपको दिख रहा होगा इक्कीस सैंतीस ठीक है तो अब हम सीधा एक बार स्क्रीन देख लेते हैं तो लास्ट ट्रेड और हाई में ज़्यादा फर्क नहीं है चालीस दो सौ उनसठ चालीस दो सौ बीस तो कल एक श्योर शॉट तेजी वाला दिन है और हो सकता हम कल सत्रह आठ सौ का अंक अंक जो मैंने टारगेट दिया था हालांकि आप लोगों का टारगेट तो छः सौ का ही था उसके बाद देखिए मैंने कितना परफेक्शन से आपको बताया एग्जैक्टली छः सौ छः पे आप लोग को वीडियो बना के बोला कि यहाँ निकल जाइए और हो सके तो शॉर्ट भी करिए लेकिन निकल तो जाइए पक्का ही चार सौ से साढ़े तीन सौ आए तब बाई करिएगा और तीन सौ का स्टॉप लॉस ये आपको याद होगा अच्छे से कल ये यस्टरडे बारह चौंतीस के वीडियो में मैं बोल रहा था और दो स्टॉक के बारे में भी बारह चौंतीस वाले वीडियो में बोला था वो दो स्टॉक थे टेक महिंद्रा जो कि आज आप देखो दो परसेंट भागा यानी कि बीस रुपया पी एल दो परसेंट भागा है आठ सौ चालीस ये दोनों स्टॉक मैंने कल बोले थे आप चेक कर लीजिए दोनों ही आज भागे तो सब कुछ ऑन डॉट अब सीधा मैं चार्ट पे आता हूँ चार्ट में देखिए ये हमको ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमको बता रही कि मार्केट यहाँ तक तो गई सत्रह आठ सौ बीस और मैंने आठ सौ चौबीस का टारगेट दिया था आपको ठीक है आठ सौ प्लस का सॉरी सत्रह आठ सौ का तो आठ सौ बीस चौबीस तक तो कल दिख रहा है मुझे जाएगा ठीक है अब इम्पोर्टेंट क्या मालूम है आप ध्यान से सुनिएगा मंडे को दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग है ठीक है दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग एक घंटे की होती है वन आवर शायद सेवन फिफ्टीन टू एट फिफ्टीन है ए, एम लिख रहा हूँ पी एम होगा मंडे को होगा सात पंद्रह से आठ पंद्रह या साढ़े सात से साढ़े आठ होगा मैं एग्जैक्टली exactly नहीं मालूम है मुझे लेकिन आप ये एक्सचेंज टाइम रहेगी और ट्यूसडे को मार्केट ओपन है ट्यूसडे को इस मोहरत ट्रेडिंग के बाद अगले दिन छुट्टी मिलनी चाहिए तो पच्चीस तारीख को मार्केट खुला है मंगलवार को छब्बीस को छुट्टी रखी है मार्केट की और सत्ताईस को हमारी मंथली एक्सपायरी है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी मध्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं मैं कि टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड और टू हंड्रेड का कॉम्बिनेशन पूरा सीधा हो गया यह कॉम्बिनेशन ऐसा बता रहा कि यहां से तेजी की शुरुआत हुई है आज ये आज सीधा हो गया मतलब टेन ई एम ए तीन सौ सैंतीस पे है सेवनटीन थ्री थर्टी सेवन जो कि तीन सौ अट्ठारह से ऊपर है बीस ई एम ए से ट्वेंटी ई एम एस देखिए टेन ई एम ए का फिगर है सेवनटीन थ्री थर्टी सेवन ट्वेंटी ई एम ए का फिगर है सेवनटीन थ्री हंड्रेड एटीन यानी कि टेन से कम और फिफ्टी ई एम ए का फिगर है सेवनटीन टू सेवेंटी एट यानी कि ट्वेंटी से कम और हंड्रेड ई एम ए का फिगर है सेवनटीन वन ट्वेंटी टू यानी कि फिफ्टी से कम और टू हंड्रेड ई एम ए का फिगर है लगभग सोलह हज़ार नौ सौ अस्सी करीब होगा ये ये छह महीना लिखा रखा तो इतना ही होगा तो सब हर छोटी ई एम अपनी बड़ी ई एम से ऊपर है वैल्यू द वैल्यू ऑफ छोटी ई एम ए इज अब ऑल बड़ी ई एम एज टेन वाला ट्वेंटी से ऊपर है ट्वेंटी वाला फिफ्टी से ऊपर है फिफ्टी वाला हंड्रेड से ऊपर है हंड्रेड वाला टू हंड्रेड से यानी कि एकदम करेक्ट ऑर्डर में एक बुलिश रैली के लिए मार्केट तैयार हुआ इसको देखते हुए तो लगता है कि अट्ठारह पांच सौ और उन्नीस हजार के टारगेट ओपन हो गए इसको देखते हुए लेकिन अब हमको क्या देखना सबसे पहले पी सी आर कहाँ पहुँचा तो पी सी आर आज इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं रखता क्योंकि कल नया पी सी आर आ जाएगा क्योंकि आज वीक ख़त्म हो गई है वीकली एक्सपायरी हो गई वीक नहीं ख़त्म हुई वीकली एक्सपायरी हो गई तो वन पॉइंट टू टू है लेकिन ये कल चेंज हो जाएगा क्योंकि कल फ्राइडे को जो नया नई वीक को ऐड कर लिया जाएगा साथ में तो ये फ़र्क पड़ जाता उसमें। है उसमें ठीक है तो इसका तो अभी आज विक्स देखो काफ़ी नीचे विक्स सत्रह बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है तो ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी बुल रैली भी दे सकता है लेकिन अब हमको देखना क्या एक तो देखिए ये रेजिस्टेंस आ रहा है 820 के करीब तो 800 का टारगेट तो हमारा आ जाएगा कितना सही बताया आपको 606 पे बोला कि एक बार मार्केट से साढ़े तीन सौ के बीच में जाएगा वहाँ आपको ख़रीद लेना तो आप देखो एग्जैक्टली exactly आपको इतना मौका दिया मार्केट ने और आज प्लस में बंद होगा ये भी मैंने बोला प्लस में बंद हुआ अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे मार्केट ने आज पॉजिटिव कैंडल दी है और ये जो सपोर्ट लाइन था एक टाइम का अब रजिस्टेंस लाइन बन गया तो ये रजिस्टेंस लाइन अभी आ रही है कल के लिए आठ पे एट ठीक है अब मोरा ट्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है मार्केट तेज है नो no डाउट आज पहली बार सारे ई लाइन में आ गए ऑर्डर में आ गए बैंक निफ्टी के तो पहले से ही ऑर्डर में थे लेकिन निफ्टी के भी आ गए चलिए बैंक निफ्टी के भी दिखा देता हूँ ये ए बैंक निफ्टी के ई एम ये है टेन ट्वेंटी से ऊपर है ट्वेंटी फिफ्टी से ऊपर है फिफ्टी हंड्रेड से ऊपर है हंड्रेड ट्वेंड्रेड तो इसका तो पहले से ही ऑर्डर में था ऑर्डर ही है अब निफ्टी की बात वापस करते हैं देखिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या है दो नवंबर को फैड की इंटरेस्ट इंटरेस्ट हाइक की डिसीजन होगा दो नवंबर, सेकेंड नवंबर। उसके बाद अगला होगा चौदह दिसंबर ठीक है ये दोनों डेट याद रखिए यहाँ फेड मोस्ट प्रोबली पचहत्तर बेसिस पॉइंट या पचास बेसिस पॉइंट हाइक तो करेगा इस वाली में तो ये टेंशन चालू हो जाएंगे जैसे ही हमारी एक्सपायरी आएगी मंथली वाली मंथली एक्सपायरी सत्ताईस को है पच्चीस को मार्केट खुला है लेकिन छब्बीस को छुट्टी है ठीक है अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हो सकता है कल जो टारगेट हो जाए आठ सौ बीस वगैरह का और दिवाली के दिन क्योंकि हमारी खाली मोहरत ट्रेडिंग होगी एक घंटे की उस समय एक नया हाई बन जाए 850 या 870 का और वहाँ से मार्केट एक बड़ी गिरावट देना स्टार्ट कर दे तो मेरा एक मानना है देखिए मोहरद ट्रेडिंग क्या होती है मोहरत ट्रेडिंग में बहुत लोग इसको उल्टा समझते हैं कि हमको शेयर खरीदना चाहिए उस दिन ठीक है तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए तो ख़रीदने वाली बात सही है लेकिन जो ट्रेडर है मुझे मान मेरा मानना है जो ट्रेडर है उनको उस दिन किसी भी तरह से घर में पैसा लाना चाहिए तो घर में पैसा लाने के लिए मैंने आपको सबको लॉन्ग करवा दिया सत्रह आठ सौ का टारगेट दे ही दिया आज है ना और वो कल आ ही जाएगा लेकिन हो सकता है मंडे को आठ सौ नब्बे तक भी जाए मार्केट और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए आपको पूरी तरह से क्योंकि तो मुझे वहाँ से एक बड़ा झटका आने की चांसेस लगती है वहाँ से हज़ार पॉइंट निफ्टी गिर सकता है ऐसा मेरा मानना है अगर वहाँ अगर ये ऑर्डर एक या दो दिन ही चला और वहाँ से मंडे से मार्केट ट्यूज़डे से मार्केट गिर गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा याद रखें ट्यूजडे से लेकिन अगर ये ऑर्डर चला तो ये साढ़े अट्ठारह से लेके कर उन्नीस हजार का टारगेट दिखाने की ताकत रखता है साढ़े अट्ठारह हज़ार से लेके उन्नीस हज़ार तो वो तो हमको मंडे को मालूम चलेगा कि कहाँ क्या है कल पी सुबह आ जा दीजिए आठ बजे पी मनी कंट्रोल में अपडेट हो जाएगा आठ बजे तो वो उसको भी देखूंगा एक बार तो आपके लिए खुशखबरी है कि यहाँ सब ऑर्डर में लेकिन फेड की मीटिंग को नजरअंदाज मत करिए उसका धुआं चलने लग जाएगा छब्बीस सत्ताईस से ही क्योंकि दो तारीख को उसका रिजल्ट है देखिए यहाँ फैड के देख लेता है। ये रहा, सेकेंड नवंबर, और उसके बाद है चौदह तारीख को ये एक और दो तारीख को है तो दो तारीख को डिसीजन हो जाएगा उससे अगली वाली तेरह और चौदह दिसंबर को है ठीक है ये फेडरल रिजर्व की वेबसाइट ही है तो कन्फर्म है दो तारीख को दो तारीख को क्या वार है देख लेते हैं दो नवम्बर वेनेसडे वेनेसडे नाइट को आएगा साढ़े आठ बजे रात को साढ़े ग्यारह बजे आता है इंडियन टाइम के साथ मुझे लगता है यहाँ से मार्केट बाजी पलट देगा देखिए मार्केट अच्छा खासा चला आपको 930 का स्टॉप लॉस बताया था इस वीक के स्टार्ट होने के पहले और आज तो मैं नया स्टॉप लॉस बोलने लग गया तीन सौ ही ये वीक जब स्टार्ट हुई थी हमने 950 का लो बना के स्टार्ट किया था और आप देखो यहाँ पहुँच गया ये मंडे का लो है नौ ठीक है अभी हम कहाँ पहुँच गए छः सौ कल आठ सौ तक भी पहुंचेंगे जाएंगे तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाता देखिए ध्यान दीजिएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो मार्केट एक ऐसा गिरावट दे सकता है सत्रह एक सौ तक यहाँ समझाता तो वापस समझाता देखिए इस ट्रेंड लाइन को बड़ी ध्यान से देखिएगा ये आठ सौ दस से बीस तक दिखा रही है नीचे की ट्रेंड लाइन को दिखेगा तो अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाता है समझ में इस आठ सौ दस बीस के ऊपर तो फिर मार्केट ऐसा नीचे आएगा सत्रह तीन सौ वापस सत्रह दो सौ पचास तक और हो सकता है इसको तोड़ दे तो फिर और छः सात सौ पॉइंट गिरेगा चांसेस है ये कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे क्योंकि अच्छा रैली हो चुका है ऑलरेडी 700 पॉइंट मार्केट चल चुका है और कल अगर 200 पॉइंट और भागता है 17 800 आ जाता है तो 900 पॉइंट की तेज़ी हो जाएगी पिछले चार पाँच दिन में तो यहाँ थोड़ा सावधान रहेगा दिवाली के दिन अगर आप ट्रेडर हैं तो पोजीशन खाली करने में ध्यान रखिएगा अगर आप इन्वेस्टर है शेयर को डिलीवरी में लेते हैं तो ज़रूर उस दिन कुछ इन्वेस्टमेंट करिएगा लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो ऑलरेडी मैंने बाई मैंने भी बाई कर रखे कॉल मैं उस दिन अपनी कॉल सारी भेज दूंगा ठीक है मेरा मानना है मुहूर्त के दिन आपको घर में पैसा लाना चाहिए अगर आप ट्रेडर तो दिवाली के दिन लोग सोचते हैं कि आज से तेजी होगी खरीदो और मुझे लगता है दिवाली के दिन माल बेचना चाहिए एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का अलग बात है ठीक है तो हो सकता है दिवाली के दिन यहाँ इस लाइन को छू के फिर 25 तारीख को ये दिखा दे अपना रंग लेकिन अभी एक एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है कि ये सब ऑर्डर में आ गए ये मुझे इशारा करते हैं जब भी ये ऑर्डर में आते हैं ऑर्डर में आज आए यानी कि आज की क्लोजिंग से हजार पॉइंट आज की क्लोजिंग कितनी आई है फाइव सिक्सटी थ्री यहाँ से नौ सौ से हज़ार पॉइंट भागते ही हैं जब भी ये ऑर्डर में आते देखिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखाता टेन जब ट्वेंटी को यहां पे क्रॉस किया ध्यान दीजिएगा ठीक है टेन ने ट्वेंटी को यहां पे क्रॉस किया ब्लू लाइन टेन है यहां क्रॉस किया यहां भाव था सोलह पंद्रह छः सौ के करीब और आप देखो यहाँ से अट्ठारह हज़ार तक भागा ठीक है अट्ठारह हज़ार तक भागा अब ये यह देखिए यहाँ पे क्रॉस डाउन किया टेन ट्वेंटी के नीचे आया इस जगह इस जगह सत्रह सात सौ के करीब भाव था अच्छा खासा नीचे लाया सोलह सात सौ सो सैंतालीस तक लाया यहाँ पे भी हज़ार पॉइंट दिया देख लीजिए यहाँ तो दो ढाई हज़ार पॉइंट दिया यहाँ हज़ार पॉइंट दिया अब अब देखिए यहाँ पे ये यह ब्लू लाइन घूम के आज पहली बार क्रॉस हुई है जब क्रॉस हुई है तो सत्रह पाँच सौ पे हम सत्रह पाँच सौ साठ पे तो यहाँ से अगर मैं नौ सौ पॉइंट भी जोड़ूँ तो अट्ठारह पाँच सौ तरह अट्ठारह पाँच सौ तक टारगेट आ रहा है क्योंकि ई एम एस लाइन में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मैंने आपको शेयर कर दी अब आपकी मर्जी है कल जरूर तेज रहेगा इतना बोल सकता हूँ और एक चीज़ है ना आप लोग एक गलती करते हो देखिए मेरे को कभी फ़ोन मत किया कीजिए अगर आप नए भी हो तो ध्यान रखिए मुझे फ़ोन जो करता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ चाहे आप मेरा कुछ भी ज्वाइन कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं आपको सिस्टम और कुछ लोग दिखते हैं सर व्हाट आर योर चार्जेस आई वांट टू टेक योर अफेंड ऑर सर्विस आई वांट टू ज्वाइन योर दिवाली टू दिवाली ग्रुप इन्वेस्टमेंट ग्रुप तो कुछ लिख पहले कि तू कौन है पहले अपना नाम लिखिएगा व्हाट्सएप पे फिर अपने सिटी का नाम लिखिएगा ठीक है फिर अपनी एक सेल्फी फोटो डालेगा सेल्फी फोटो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं चाहिए अपना नाम सिटी का नाम सेल्फी फोटो नाइन सिक्स थ्री फाइव नाइन सिक्स थ्री फाइव फोर सेवन सिक्स सेवन डबल एट इस पर व्हाट्सएप करिएगा फोन किए जिंदगी भर के लिए ब्लॉक हो जाओगे आप अगर मोदी जी हो तो भी ब्लॉक हो जाओगे कभी कभी-कभार मैं रिप्लाई भी देता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग को फोन करना अलाउड है आप कितने भी बड़े महारथी हो मत करिए नाइन सिक्स थ्री फाइव फोर सेवन सिक्स सेवन डबल एट तो अपना नाम इज्जत से लिखा करिए अपना नाम अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो सर आई वॉन्ट टू टेक योर दिवाली टू दिवाली इन्वेस्टमेंट ग्रुप मेम्बरशिप है ना और उसके बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूँ तीन साल तक चलेगी ये ग्रुप इस दिवाली से दो हज़ार और तीन लाख के हिसाब से हिसाब बताया जाएगा और अगर इस तीन लाख को हम छः लाख नहीं बना पाते हैं तीन साल में तो आपकी पूरी फीस जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी आफ्टर थ्री ईयर्स तो हमारे पास तीन साल है तीन साल में तीन लाख से छः लाख बना के दिखाना है मुझे इन्वेस्टमेंट से नॉट ट्रेडिंग ठीक है प्लस आप चाहो तो इसमें आप खुद पाँच लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो ये मैं मैं जो एक्सेल शीट वहाँ पे डालूंगा मैं तीन लाख के हिसाब से सपोज़ मैंने बोला कि एल के बीस शेयर ले लीजिए तो बीस शेयर कितने के हो गए बीस हजार रुपये के तो इस तीन लाख से हमने बीस हजार डाल दिया इसमें ठीक है सपोज इसमें हमको बीस परसेंट का टारगेट है तो है, अगर हमने एल लिया उन्नीस में बाईस आ गया तो हम इसमें प्रॉफिट बुक कर लिए फिर एस ले लिए फिर ओ ले लिए ऐसे करके तीन लाख को छः लाख मैं मिनिमम बता रहा हूँ हिसाब में तीन लाख के हिसाब से बनाऊंगा कि मेरी इनिशियल कैपिटल तीन लाख है इसमें से मैंने तीस हज़ार के एल ले लिया है बाईस हज़ार का एस ले लिया है ये ऐसे समझ में लेकिन ये रिफंड जो है आपको आफ्टर थ्री इयर्स ही मिलेगा अगर मैं तीन लाख का छः लाख नहीं बनाऊंगा और आपको कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो फिर एक करोड़ डालता हूँ नहीं हाईएस्ट लिमिट सात लाख वालों को तक को रिटर्न मिलेगा थ्री लैक्स टू सेवन लैक्स वन लाख लगाइए आप एक लाख लगाइए मुझे क्या दिक्कत है एक लाख का दो लाख समझिए लेकिन मैं तीन लाख से आपको हिसाब डालूँ डेट सर तो ये ग्रुप भी दिवाली के दिन ही स्टार्ट होगी ठीक है ऑलरेडी ग्रुप बन चुकी है मेम्बर्स एड हो चुके हैं और कल लास्ट रहेगा आप लोग का ज्वाइनिंग जो भी है पेमेंट होने पे ज्वाइनिंग थी खाली नाम लिखाने पर नहीं जय जिनेन्द्र जय जै भोलेनाथ जय हिंद